गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज अ प्रीवियस वीडियो वी हैड कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर टू एंड वी आर डूइंग सिमिलरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स. नाउ टुडे वी टू स्टार्ट न्यू टॉपिक अबाउट द सिमिलरिटिकल इन ज्योमेट्रिकल शेप्स. दिस इज रिलेशन बिटवीन पैरामीटर ऑफ सिमिलर शेप्स. पैरामीटर देखेंगे रिलेशन बिटवीन टू पॉलीगन. व्हाट डू मीन अ पॉलीगन, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. ओके, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज हियर. ठीक है, मैंने एक बनाया क्वाड्रिलेटरल. आफ्टर दैट इससे एक बड़ा सा और क्वाड्रिलेटरल बना लिया अपन, पी क्यू आर एस. एंड आई एम सेइंग देयर दिस बोथ पॉलीगन्स और बोथ क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर. आई रिटन हियर बोथ दिस पॉलीगन टू दिस पॉलीगन बोथ आर सिमिलर. ठीक है, इफ बोथ आर सिमिलर मीन्स वॉट इज स्टूडेंट्स, दिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. दिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. D equals to S and C equals to R. Angle equals to angle P, angle B equals to angle Q, and angle D equals to angle S, and angle C equals to angle R. Corresponding angles are equal and corresponding sides in the same proportion. ठीक है, corresponding sides in the same proportion मतलब वो कितने times बड़ा होगा, कितने times वो large होगा, या कितने times वो less होगा. यही तो होगा. Suppose ये length मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, तो हो सकता है कितना हो सकता है 6 सेंटीमीटर. We don't know. ठीक है, बट जो एबीसीडी है उससे बड़ा कौन है, पी क्यू आर एस, वो दिख रहा है. बोथ बोथ आर क्या है, सिमिलर कह रहा है. ठीक है, तो सपोज एम को मान लेते हैं स्केल फैक्टर ही है. नाउ सपोज नाउ लिसन हियर स्टूडेंट्स, अब देखो इसको मत देखो अभी. सपोज आई एम सेइंग हियर एबी, अब देखो एबी का जो लेंथ है, जो एबी है लेंथ है, और ये पी क्यू लेंथ, दिस इज लार्जर. मीन्स वॉट, पी क्यू इज समटाइम्स लार्जर टू एबी. What I'm saying here, PQ is sometimes large to AB. So what I'm here, तो AB equal से क्या हो जाएगा PQ, M is what, scale factor. अब देखो अगर दोनों को equal रखना है तो यहाँ दोनों कुछ ना कुछ अपना है. अब देखो PQ क्या है, AB से कुछ time large है. We don't know कितने times वो large है, तो I'm making here scale factor M. कुछ time large, कुछ time less, वो क्या होता है अपना scale factor था. ठीक है, तो M into AB equals to PQ. तो सेम एज इट इज फॉर एम इन टू ए बी सी फॉर दिस साइड एंड फॉर दिस साइड. जो क्यू आर है वी डोंट नो बी सी से कितना बड़ा है, वी डोंट नो. तो आई एम मेकिंग हियर एम इन टू बी सी इक्वल्स टू हियर. सेम आर फॉर सी डी आर एस एंड सेम आर फॉर द ए डी इक्वल्स टू पी एस. ठीक है, आफ्टर दैट एम इक्वल्स टू नाउ दिस गो दिस साइड पी क्यू अपॉन ए बी. नाउ दिस गो दिस साइड क्यू आर अपॉन बी सी एंड गो दिस साइड एंड गो दिस साइड. यहां तक ना आगे, यहां तक क्लियर है. एम इज वॉट, स्केल फैक्टर. अभी इस एम क्या है, जो पी क्यू है ए बी से कितना लार्ज है, कितने टाइम्स वो लार्ज है, वी डोंट नो. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर एम. यू हैव टू टेक एक्स भी ले सकते हैं. ठीक है, स्टूडेंट बेसिक है ना. ठीक है, आफ्टर दैट तो हमने ये देखा एम इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ए बी, एम इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन बी सी, एम इक्वल्स टू आर एस अपॉन सी डी, एम इक्वल मीन्स इफ द एल एच एस इज इक्वल मीन्स आर एच एस ऑल्सो इक्वल. तो क्या हो जाएगा, एम इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ए बी equals to QR upon BC equals to RS upon CD equals to PS upon AD. Means what? Corresponding sides के जो ratio हैं वो किसके equal है, scale factor के. दिख रहा है यहाँ पे, जो corresponding sides के two polygon के two corresponding side का जो ratio है किसके equal है, scale factor है. और ये क्या है, कितने times वो large है, कितने times वो less है, ये क्या है अपना स्केल फैक्टर. इनडायरेक्टली उसको बोल सकते हैं स्केल फैक्टर. ठीक है, सो वी राइट हियर स्केल फैक्टर इक्वल्स टू एस एफ इक्वल्स टू, तो यहां से अपने को क्या मिला, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर पॉलीगन. मीन्स वॉट, स्केल फैक्टर क्या पता चला हमको, स्केल भी पता चला पहले पर क्या पता, स्केल फैक्टर कुछ टाइम्स लेस होगा, कुछ टाइम लार्ज होगा. बट अपने को क्या नया चीज मिला, स्केल फैक्टर इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर पॉलीगन. स्केल फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर पॉलीगन, दिस इज वॉट स्केल फैक्टर. ठीक है, नाउ अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं, पेरीमीटर. सपोज आई एम सेइंग हियर व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी, वट इज अ पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी. तो क्या होगा, ए बी सम ऑफ ऑल द साइड्स, पेरीमीटर मीन्स व्हाट, सम ऑफ ऑल द साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए.
What is the perimeter of PQRS? Sum of all the sides PQR, PQ plus QR plus RS plus SP. ठीक है, इसको करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा. तो सपोज आई एम सेइंग हियर पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी तो क्या हो जाएगा, सुन से अभी एबी प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस डीए, ये तो होगा. सपोज आई एम सेइंग पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस तो क्या हो जाएगा, पीक्यू प्लस QR प्लस RS प्लस SP, यही तो होगा. ठीक है, नाउ आई हैव टू डिवाइड दिस वन टू दिस वन. मैंने दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, दोनों का क्या कर रहे हैं अपन, डिवाइड कर देते हैं. अब देखो डिवाइड करने से क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सपोज वी टू डिवाइड दिस वन, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, वी हैव टू डिवाइड दिस टू अपॉन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी. ठीक है यहां तक. नाउ स्टूडेंट्स यहां पे देखो पी क्यू की वैल्यू क्या, यहां पे पी क्यू की वैल्यू क्या, यहां पे एम इन टू ए बी, एम इन टू ए बी प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर, एम इन टू बी सी प्लस व्हाट इज आर एस की वैल्यू क्या है यहां पे, एम इन टू सी डी प्लस पी एस की वैल्यू क्या है, स्टूडेंट्स एसपी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम इन टू ए डी. तो यहां पे क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए अपॉन, अब यहां देखो सब में कॉमन क्या दिख रहा है, एम कॉमन एम कॉमन एम एम मेक द कॉमन ईयर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. ओके, नाउ वी हैव टू कैंसल दिस वन, तो व्हाट कंक्लूजन क्या निकला हमारे, वन अपॉन एम. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या निकला, वन अपॉन एम. सो वी हैव टू इसको रेसिप्रोकल को उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, रिवर्स कर लो, इनवर्स कर लो. तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस अपॉन पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू, जब ये रिवर्स हो रहा है तो ये भी, अगर ये इनवर्स हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, इनवर्स होगा. तो क्या होगा, एम अपॉन वन, और वे टू से दैट एम. ठीक है, मीन्स क्या हुआ, सपोज अगर मेरे को स्केल फैक्टर निकालना है, इसका मतलब क्या, रेशो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर पॉलीगन. ठीक है, तो अपने को यहां से एक चीज पता, दो चीज पता चल गया कि क्या होता है स्केल फैक्टर, क्या होता है रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर पॉलीगन, स्केल फैक्टर क्या होता है, रेशो होता है साइड्स का. और अभी पता चल गया स्केल फैक्टर, और भी क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, मतलब अगर तो हमारे पास टू पॉलीगन है या टू क्वाड्रिलेटरल या कुछ भी है, तो अगर हमें उसका पेरीमीटर निकालना, अगर उस रेशो का पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ पे एम होता है, एम इज व्हाट स्केल फैक्टर. और भी से दैट, देखो स्टूडेंट्स एम की, एम क्या है हमारे पास, ये पूरा है. ठीक है, तो यहां पे लिख लो पी क्यू इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन बी सी इक्वल्स टू आर एस अपॉन सी डी इक्वल्स टू पी एस अपॉन ए डी. मीन्स व्हाट, स्केल फैक्टर क्या है, यहां पे करेस्पॉन्डिंग साइड्स इन द रेशो पे है, जो भी टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, टू भी सिमिलर क्वाड्रिलेटरल है, उसके क्या है, साइड्स के क्या है, रेशो पे है स्केल फैक्टर. और क्या है स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर ये भी होता है रेशो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द टू पॉलीगन और टू क्वाड्रिलेटरल, आई हैव टू से दैट. ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, मैं लिख देता हूं, यहां लिख लो. तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, द रेशो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर पॉलीगन is equal to the ratio of their corresponding sides and their scale factor. ठीक है, तो scale factor क्या होता है,
ratio of the two corresponding sides of any similar polygon. Or we have to say that scale factor क्या होता है, ratio of the perimeter of two similar polygon. Is it clear? I written here ratio of perimeter of two similar polygon, this one is equal to the ratio of their corresponding sides and there is what scale factor. ये पूरा काम अभी आने वाला है, ये जो लाइन है, ये जो चीज है यहां से लेकर यहां तक, अभी ये काम आगे हमको एक्सरसाइज में, ठीक है. तो स्केल फैक्टर किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड पेरीमीटर और रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर पॉलीगन, ठीक है. एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे तो देखते हैं. एग्जाम पर्पज के लिए था स्टूडेंट, सिर्फ आपको समझाने के लिए था ये ऐसा होता है करके, ठीक है. एक्सरसाइज में आते हैं. नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर थ्री, सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से बना लोगे, ठीक है. वो आपके लिए होगा कुछ, ठीक है. अच्छा सुना, क्वेश्चन नंबर टू वी विल डिस्कस, क्वेश्चन नंबर टू थ्री एंड फोर एंड फाइव, वन इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, फिर थर्ड देखना, देन यू टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर वन, तो इसलिए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट्स, दिस टू फिगर इन द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, देखो दिस टू फिगर आर गिवन, ठीक है. और ये बोलता है ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है. दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्राइंगल ट्रायंगल बोथ आर सिमिलर. तो अपन सबसे पहले नेम कर देते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर, एंड इन द गिवन क्वेश्चन बोथ द फिगर आर सिमिलर. तो लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके. Now in the given question, what we have to find out? We have to find the value of x. ये x है ना, x minus 2 है, और ये क्या है, y y plus 3. Means we have to find out the x value find out करना, और y की value we have to find out. In the given question, both are similar. अगर दोनों both are similar, question में दिया students both are similar. In the given question, this both polygon, this polygon and this polygon. Polygon क्या होता है? We had all discussed. ये polygon और ये polygon अगर similar है, ये जो दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है, मींस अपने पास क्या होता है कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है मींस द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो प्रोपोर्शन पे रहेगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे इक्वल. और अभी थोड़ा देर पहले हम क्या पढ़े कि इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे स्केल फैक्टर के क्या होंगे, इक्वल होंगे, यही तो पढ़े, ठीक है. तो अब देखो यहां पे अगर मैं बोलूं करस्पॉन्डिंग, देखो स्केल फैक्टर कैसे निकलेगा, या फिर अपने को क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई. इफ बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो चल राइट में लिख सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ऐसा लिख सकता हूं अपन, ठीक है. सो व्हाट इज द वैल्यू, देखो ऐसा लिख दिया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्टैंड 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू एक्स माइनस 2, व्हाट इज वैल्यू बी सी 8, क्यू आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 5 प्लस 3, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए सी 10, एंड पी आर की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 15. ये अपन कर लिए. इन द गिवन क्वेश्चन इफ देयर सेइंग इफ बोथ ट्रायंगल्स और बोथ पॉलीगन्स आर सिमिलर, अगर सिमिलर हो गया मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो पे होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल, इतना तो अपने को पता है, ठीक है. अब देखो स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई. अब देखो अगर इफ वी हैव टू सॉल्विंग दिस वन मीन्स दिस वन, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये भी इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, थ्री क्या है एक दूसरे की क्या है इक्वल है. सपोज अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, क्या मैं एक्स निकाल पाऊंगा, नहीं. अगर ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ ना कुछ बन जाएगा, ठीक है. अब देखो यहां पे ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, तो फिर कांट से की वैल्यू पर निकाल पाएंगे. अब यहां पे देखो इसको और इसको लेते हैं, इसको और इसको, 6x माइनस 2 इक्वल टू 10 अपॉन 15. अब दिस फोर टर्म पे, पहला टर्म सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, अगर इस फोर टर्म पे अगर अपने को एक अननोन है देन वी हैव टू सॉल्व. अगर मैं इन दोनों को लूंगा, यहां भी ये अननोन है और ये भी अननोन है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है. अब इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें एक अननोन है और बाकी सब नोन है, यहाँ के 6 है, यहाँ पे 10 है और ये क्या है 15 है, तो मैं इसको और इसको ले लूंगा, क्लियर है. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वन. तो अपने को क्या, अपने क्या सीखे, अगर हमारे पास फोर टर्म्स है रेशो पे तो अपने को एक अननोन रहेगा तो अपन सॉल्व कर सकते हैं. अगर अपने पास फोर टर्म्स है रेशो पे इक्वल है, अगर ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते.
अगर सॉल्व आ गया स्टूडेंट, अगर आप करोगे तो एक्स और वाई कहीं ना कहीं अपने को रोक देगा, वैल्यू नहीं निकलेगी। तो हमेशा याद रखना कि अगर दो रेशो इक्वल्स पे हैं और फोर टर्म्स है, अगर फोर टर्म्स में अगर एक अननोन है तो अपना आंसर निकल जाएगा। देखो आप कैसे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 × 5 हो जाएगा और ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स माइनस टू 10 इक्वल्स टू 6 × 15। ठीक है, तो 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 16×5 = 30, 0×3 ये हो जाएगा 90। ठीक है, देन व्हाट, 10x इक्वल्स टू 90 + 20, देन x इक्वल्स टू व्हाट, 90 + 20 क्या हो जाएगा हमारे पास 110 अपॉन 10, दो 0 0 कैंसिल, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11। क्लियर है, तो सेम एज इट इज। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या निकल गया x की वैल्यू, अब क्या ले लो, इन दोनों को ले लेता हूं। अब देखो यहां पे 8 / y + 3 इक्वल्स टू 10/15, नौ गए दोनों क्या इक्वल है। ठीक है, और इस फोर टर्म्स में कितने टर्म, 1, 2, 3, 4, फोर टर्म है, इसमें क्या एक अननोन है, तो अपने सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर ये अननोन है, ये अननोन है, ठीक है, ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये 8 है, 10 है, 15 है, बट y प्लस 3 वी डोंट नो, तो इन दोनों को ले लेते हैं, इसको और इसको। ठीक है, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10y + 3 इक्वल्स टू 15×8। ठीक है, तो 5 × 8 = 40, 0, 4। ठीक है यहां तक, देन व्हाट, 10 × y = 10y + 30, तो 10y इक्वल्स टू 120 - 30, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 120 - 30 स्टूडेंट्स 90 / 10, दिस कैंसल, तो व्हाट इज द वैल्यू भैया 9। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई 11 एंड वाई की वैल्यू 9। तो इस क्वेश्चन में क्या पता चला कि बोथ पॉलीगन आर सिमिलर टू ईच अदर, मींस करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स किस में हो जाएंगे रेशियो। तो जो भी वैल्यू देगा अपन, जो अपन इसको ऐसा कर लिए, जो भी वैल्यू है इसको अपन पुट अप कर दिए यहाँ पे। आफ्टर दैट हमने ये देखा, यहाँ पे अननोन है, यहाँ पे अननोन है, तो वी कांट सॉल्व, तो अपन इसको लिए और इस टर्म को लिए। अगर इन दोनों टर्म को लेते हैं, इसमें एक ही पर्सन अननोन है, एक ही टर्म क्या है अननोन है, तो वी हैव टू सॉल्व सेम एज इट इज। मैंने इसको लिया और इसको लिया, यहाँ पे इन दोनों में से, इन फोर टर्म्स में से एक ही टर्म अननोन है, देन वी हैव टू सॉल्व दिस वन। तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 9 और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। ओके, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स एक चीज में और देखो, अगर मैं बोलूं, मैंने ये बोला कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और दिस ये तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ठीक है, मीन्स तीनों का स्केल फैक्टर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है ना, अपन यही पढ़े थे, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होता है टू सिमिलर ट्रायंगल या किसी भी पॉलीगन का, किसके इक्वल होता है, स्केल फैक्टर के, वो इक्वल होता है। इसको प्रूफ करके देखते हैं, चलो प्रूफ करते हैं, होता है कि नहीं होता देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या था, 6 / x - 2 इक्वल्स टू 8 / y + 3 इक्वल्स टू 10/15 था। ठीक है, यही था। Now we are to putting this x equals to 11 and y equals to 9. Whether these three are equal? Now we are to see. तो यहाँ पे 6, what is the value x? यहाँ पे 11. यहाँ put up कर दो 11. 11 minus 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9. 8. What is the value of y students? 9. 9 plus 3 क्या हो जाएगा? 12. तो क्या हो गया यहाँ पे? 10/15. यहाँ तक clear? Now what? किसे cancel हो जाएगा? 3 × 2 = 6. 3 × 3 = 9. 4 × 2 = 8. 4 × 3 = 12. और यहाँ पे 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 6. यहाँ पे देखो क्या हुआ, 2/3, 2/3, 2/3 आ गया सेम प्रपोर्शन पे। ये होता है ना करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम प्रपोर्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे स्केल फैक्टर क्या है, अगर आप इसको भी कैंसिल कर दोगे 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, तो यहाँ पे आप साफ साफ बोल सकते हो क्या, दिस इज द स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर इज अबाउट 2/3। अगर ये 2/3 है तो ये भी 2/3 आएगा और ये भी क्या आएगा, 2/3। तो यहां से अपन बोल सकते हैं स्केल फैक्टर क्या है यहाँ पे 2/3। और अपन से पहले यही पढ़े कि स्केल फैक्टर किसके इक्वल होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना प्रूफ भी हो गया, ये भी 2/3 हो गया, ये दिस ऑल्सो 2/3 एंड दिस ऑल्सो 2/3, तीनों एक दूसरे क्या है, स्केल फैक्टर है और 2/3 क्या है यहाँ पे, स्केल फैक्टर। क्लियर है, यहां तक प्रूफ हो गया। नाउ सीधा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन दिस इसको ले लेते हैं ए बी सी डी,
इसको लेते हैं पी क्यू आर एस. दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वन. नाउ हियर व्हाट सेम वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. नाउ अगर क्वेश्चन ने बोल दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोल दिया क्वेश्चन में, ये बोल दिया क्वाड्रिलेटरल, इसको दोनों को मान लेते हैं पैरेललोग्राम मान लेते हैं, जो माना मान लो ठीक है. क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा पी क्यू आर एस. इफ बोथ आर सिमिलर, इफ इन द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस बोथ फिगर आर सिमिलर मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो. ठीक है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, देन सी डी अपॉन, ठीक है ना, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर देन सी डी अपॉन आर एस इक्वल्स टू डी ए अपॉन एस पी. ये रेशो पे आ गया. ठीक है, अब जो भी वैल्यू पुटअप करना है उसको जो भी नोन है पुटअप कर दो. वट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, वी डोंट नो. वट इज द वैल्यू, वट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू, वी डोंट नो. बी सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट से यहाँ पे, पता नहीं. वट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर, यहाँ पे 12 है ना. ठीक है, वट इज वैल्यू ऑफ सी डी, एक्स प्लस टू, वैल्यू ऑफ आर एस 15, डी ए की वैल्यू डोंट नो, और एस पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12. सुन यहाँ पे 8 भी है ना क्वेश्चन पे, तो मैं लिख दे रहा हूँ बी सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 8, एज क्वेश्चन पे दिया हुआ. ठीक है, ठीक है, हमारे पास 8 है. ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यूब 8 अपॉन क्यू आर एक्स प्लस 2 अपॉन 15 डी अपॉन 12, ये हो गया करेस्पॉन्डिंग सेट्स. अभी सुन ए बी अपॉन पी क्यू में कुछ दिया है क्या, नहीं दिया, अभी भी कुछ नहीं है, पी क्यू इसको छोड़ देते हैं. तो बचा क्या हमारे पास 8 अपॉन क्यू आर, ये 3 टर्म्स अपन बच गया. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये भी अननोन है. ठीक है, अगर मैं इन दोनों टर्म को लूँ इक्वल आएगा ना, अगर ये दोनों टर्म को लेता हूँ ए बी अननोन है, इन दोनों को टर्म लेता हूँ ए बी अननोन है. देखो इन दोनों को लिखता हूँ 8 अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू डी ए अपॉन 12. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इसका स्केल फैक्टर क्या हो सकता है, अगर बोलो मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मीन्स सभी का स्केल फैक्टर क्या होगा, अगर 2 होगा तो सभी का स्केल फैक्टर 2 होगा. मतलब रेशो क्या होगा, सपोज 2/3 है तो ये भी 2/3 होगा, ये 2/3 है तो ये भी 2/3, और ये होगा 2/3 तो ये भी 2/3. तो फ्रेंड्स ये बताओ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो मैं इन दोनों को लेता हूँ, अगर मैं सपोज बोलूँ कि ऐसा क्या वैल्यू क्यू आर में पुटअप करूँ और ऐसा वैल्यू क्या वैल्यू डी ए वैल्यू में पुटअप करूँ कि दोनों इक्वल हो जाए, तो क्या बोलोगे. सपोज मैं डी ए की वैल्यू क्या पुटअप कर दिया 12. ठीक है, और यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू क्या पुटअप कर दिया 8, तो 8/8 कैंसिल और 12/12 कैंसिल, तो स्केल फैक्टर क्या आ जाएगा 1, मीन्स ए बी 1 हो जाएगा और ए बी 1 हो जाएगा और ए बी 1 और ए बी 1. ठीक है, कुछ और लेते हैं. सपोज मैं बोला कि ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा और कंडीशन देख लेते हैं. एक कंडीशन तो ये हो गया, सेकंड कंडीशन ये देख लेते हैं. सपोज मैं बोलूं अगर मैं क्यू आर की वैल्यू अगर मैं 12 पुट अप कर देता हूं, क्या पुट अप कर दिया यहां पे क्यू आर की वैल्यू 12. देखो यहां पे रफ पे देखो, सपोज आई एम सेइंग हियर 8 अपॉन क्यू आर है इक्वल्स टू डी अपॉन 12 है. ठीक है, मैं बोला कि अगर मैं क्यू आर की वैल्यू क्या पुटअप कर दू 12, ये 12 आ जाएगा, और यहाँ पे डी ए की वैल्यू क्या पुटअप कर दू 8. अगर मैं यहाँ पुटअप कर देता हूँ 8, क्या दोनों इक्वल है, यस इक्वल है. मैंने क्या बोला, मैं बोला कि अगर मैं क्यू आर की वैल्यू क्या पुटअप कर दू 12, यहाँ पर 12 पुटअप कर दिया, 8 ऑलरेडी था, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, और मैं बोला डी की वैल्यू क्या पुटअप कर दू 8, तो डी ए की वैल्यू यहाँ क्या पुटअप कर दिया 8 और ये 12 का 12 था. अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो क्या आ जाएगा 2/3, 2/3, ये भी सही है. ओके, इफ यू आर पुटिंग क्यू आर इक्वल्स टू 12 हियर एंड इफ यू आर पुटिंग डी इक्वल्स टू 8, दिस बोथ रेशो आर इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब दोनों का रेशो क्या आएगा सेम आएगा, वैलिड है. तो अपन क्या ले लेते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे ले लेते हैं डी ए इक्वल्स टू 8 ले लेते हैं और क्यू आर इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 12. अगर सपोज आई एम आस्किंग हियर व्हाट इज द स्केल फैक्टर हियर, तो स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा 2/3, तो सभी के लिए क्या स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा, स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा 2/3, ये भी 2/3, दिस ऑल्सो 2/3, दिस ऑल्सो 2/3 एंड दिस ऑल्सो 2/3. ओके ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्केल फैक्टर क्या आ गया 2/3, तो यहाँ स्केल फैक्टर आ गया 2/3, तो इसको ले लो और इसको ले लो.
तो यहाँ पे ये बोल सकता हूँ मैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू एट अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू एक्स अपॉन प्लस टू इक्वल 15 डी ए अपॉन 12 और वे टू से दैट 2/3। ठीक है, डी क्यू लेट ले लिया और क्यू आर क्यू क्या लिया 10, तो स्केल फैक्टर क्या आ गया 2/3, मतलब ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। क्लियर है, अब याद हो सब एक दूसरे के इक्वल है। अब अपने को क्या चाहिए, x चाहिए। अब यहाँ पे देखो फोर टर्म्स देते हैं, x प्लस 2/15 इक्वल्स टू 2/3। नो सही है स्टूडेंट्स, इन द फोर टर्म्स अगर दोनों इक्वल पे अगर फोर टर्म्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्या एक अननोन है, थ्री नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, और यहाँ पे क्या एक अननोन है, तो यहाँ से अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू दिस वॉल टू मल्टीप्लाई 15 टू 30, तो 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 30। इसके बाद उधर लिख लो तो क्या होगा 3x इक्वल्स टू दिस गो दिस साइड 30 माइनस 6 एक्स इक्वल 30 माइनस 6 इज व्हाट 24/3, तो व्हाट इज वैल्यू x यहां पे 8 आ गया। ओके तो अपना x वैल्यू क्या निकल गई 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 8 x वैल्यू क्या आ गई 8, और सपोज आई एम सेइंग क्या स्केल फैक्टर क्या होगा 2/3, स्केल फैक्टर इज व्हाट 2/3। नाउ सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर रफ में अगर पुट अप करो, देखो ध्यान सुनना, अगर मैंने यहाँ पे रफ में पुट अप कर देता हूँ, देखो यहाँ पे x प्लस 2/15 एक्स वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 8, यहाँ पुट अप करो 8, 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10, 10/15 तो क्या आएगा 2/3, देखो फिर से आ गया 2/3। ठीक है, कैंसिल करने के बाद क्या 5 × 2 = 5, 3 × 15, तो स्केल फैक्टर क्या यहाँ पे 2/3, और सभी रेशो किसमें हो गए सेम प्रपोर्शन पे हो गए, और सभी का रेशो क्या है यहाँ पे 2/3। क्लियर, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 8। नो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, अपने को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, अपने को वी हैव टू फाइंड द वैल्यू आल्सो, एक्स तो निकल गया, अब क्या नहीं फाइंड आउट करना है वाई फाइंड आउट करना। ठीक है, अब क्वेश्चन पे देखो स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला कि दोनों पैरेलल है, बट एज अ सीधा फिगर का दोनों फिगर को देखते हैं तो क्या दिख रहा है, दोनों क्या है पैरेलल है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल, तो अगर ये 70 डिग्री तो ये भी कौन सा क्या लगेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 70 डिग्री, दिस 70 डिग्री, दिस ऑल्सो 70 डिग्री, अगर ये वाई है तो ये भी क्या है वाई है। ठीक है, और अपन इसको क्या माने हैं, बहुत क्या है पैलोग्राम मान लेते हैं, अगर पैलोग्राम मान लेते हैं एज पर द कंडीशन, देखो ये एक दूसरे क्या है पैरेलल है, ये भी एक दूसरे क्या है पैरेलल है, दिस ऑल्सो पैरेलल टू दिस साइड, दिस आर एस पैरेलल टू पी क्यू, जो एक दूसरे क्या है पैरेलल, सपोज अगर ये पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन, ये कौन सा लाइन हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल C प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो क्या लिखोगे यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स, अगर ट्रांसवर्सल लाइन हो जाता तो क्या हो जाता है को इंटीरियर एंगल्स, क्लास 9 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके को इंटीरियर एंगल्स, दोनों का सम कितना हो जाएगा 70 + Y इक्वल्स टू 180, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एंगल सी 70 डिग्री प्लस एंगल वाई वी डोंट नो 180, तो एंगल वाई इक्वल्स टू 180 - 70 व्हाट वी गेट यहाँ पे 110। ओके, तो एंगल वाई के लिए क्या होगा यहाँ पे 180 - 70 इज व्हाट 110 एज पर द फिगर, फिगर के हिसाब से अपन इसको सॉल्व कर लिया, इसको अपन क्या मान लिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी इसको क्या मान लिया ट्रांसवर्सल लाइन, दिस इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल लाइन। ओके ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, दिस टू फिगर एज पर द क्वेश्चन दिस टू फिगर्स आर सिमिलर एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने लिखा पॉलीगन एबीसीडी, दिस इज पॉलीगन, दिस ऑल्सो पॉलीगन, पॉलीगन एबीसीडी और वेट इज द क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर एबीसीडी सिमिलर टू क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एज पर द क्वेश्चन। अगर जैसे पता चल गया बोथ आर सिमिलर मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द रेशियो, अब यहां पर देखो दिस सिंगल लाइन मीन्स वॉट एंगल इक्वल्स टू एंगल पी, दिस डबल लाइन और दिस डबल लाइन मीन्स एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एस, दिस ट्रिपल लाइन एंड दिस ट्रिपल लाइन मीन्स वॉट एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी, देखो स्टूडेंट अभी तो इजी चल रहा है, आप थोड़ा आगे आएंगे तो अपन देखेंगे रेशियो पेन में अपन कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको समझ जाओ, तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, सी डी अपॉन, ठीक है, और ये कैसे जाएगा, देखो यहाँ पे ट्रिपल एंगल, यहाँ पे थ्री लाइन, यहाँ पे थ्री लाइन, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कैसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, कैसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज,
ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, दिस ऑल्सो दिस वन, दिस ये इक्वल है और इसके इक्वल है. आगे डिस्कस करेंगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वैसे ही है. ठीक है, तो मैं लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर. राइट, ठीक है. नो व्हाट इज द वैल्यू ए बी, अब जो भी वैल्यू सपोर्ट अप कर दो फ्रेंड्स. व्हाट इज द वैल्यू ए बी, 10, पी क्यू दिया है 8. व्हाट इज द वैल्यू बी सी, एक्स क्यू आर 13, सी डी 14, आर एस जेड डी ए 16, एन एस पी वी डोंट नो. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे क्या फाइंड आउट करना है अपने को, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे स्केल फैक्टर क्या है, देखो अगर इसमें कैंसिल कर देता हूं तो क्या आ जाएगा 2 5 10 2 4 जेड. ठीक है, अब देखो इन दोनों को ले लेते हैं फर्स्ट, वी टू टेक दिस वन, तो क्या हो जाएगा यही ले लेते हैं बाजू में. ठीक है ना, इन दोनों को ले रहे, इन दोनों को. ठीक है, अगर फोर टर्म में ये अननोन है और ये नोन है, दिस ऑल्सो नोन, दिस ऑल्सो नोन, तो अपना एक्स वैल्यू निकल जाएगी, तो हो जाएगा 10/18 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 13. तो ये हो जाएगा 8 × x इक्वल्स टू 13 × 10. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 × 10/8. ठीक है, 2 5 10 2 4 8. तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 13 5 65 upon 4. ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्टूडेंट, 65 upon 4. अब यहां पे देखो इसको और इसको ले लेते हैं, ऑल फोर आर इक्वल टू इच अदर, इन दोनों को ले लेते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, 10/8 इक्वल्स टू 14/z. ठीक है, अगर इन दोनों को लोगे तो क्या एक्स और वाई निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, सॉरी एक्स और जेड निकल पाएगा, नहीं निकलेगा भाई को, दिस इज ऑल्सो अननोन एंड दिस इज ऑल्सो अननोन. स्टूडेंट्स एसपी की वैल्यू देखो, एसपी की वैल्यू वाई है ना, नहीं लिख दिया वाई है, एसपी की वैल्यू कितनी है, वाई है. ठीक है ना, एसपी वैल्यू कितनी है, वाई. यहां तक क्लियर है, अब इन दोनों को ले लिया, अब इन दोनों को ले लो, 10/8 और 14/z, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 × y, दिस इसको लिया और इसको लिया. ठीक है, तो क्या होगा, 14 × y इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी 14z है ना, z. ठीक है, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 14 × 8, तो z इक्वल्स टू 14 × 8/10. तो आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ जेड सेम एज इट इज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई कैसे निकालोगे, इसको ले लो और इसको ले लो. ठीक है, तो जाएगा 10/8 इक्वल टू 16/y. अब यू टू क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 × y इक्वल टू 16 × 8, वाई इक्वल्स टू 16 × 8/10, 2 4 z 2 5 z 10. ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 16 × 4 64/5. तो दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज वैल्यू ऑफ वाई एंड द वाई एंड दिस इज वैल्यू ऑफ जेड. बस इतना याद रखना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, अगर ये फोर टर्म्स में अगर एक अननोन है तो देन वी टू सॉल्व, इसलिए अपन इसको लिए, देन यू टेक दिस वन टू दिस वन, देन वी टू टेक दिस वन टू दिस वन. यहाँ पे देखो क्या अननोन क्या है, अननोन सिर्फ वाई था और बाकी सब क्या है, नोन है. इसमें भी देखो क्या है, यहाँ पे अननोन है, सॉरी नोन है, ये भी नोन है और ये भी नोन है, जेड क्या है, नोन है. तो फोर टर्म्स में अपने को अगर एक अननोन है देन वी टू सॉल्व. क्लियर है, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड वन. नाउ स्टूडेंट थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझना, थर्ड का सेकंड वन, उसको करेस्पॉन्डिंग रेशियो कैसे लिखेंगे. देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है अच्छे से, और ये राइट एंगल थोड़ा सा इनवर्स, थोड़ा सा उल्टा हो गया, उस फिगर को थोड़ा सा मोड़ दिए. ठीक है, अब इसका करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या हो गया, उसको ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट्स. ठीक, अभी देखो यहाँ पे 90 डिग्री, दिस ऑल्सो 90 डिग्री, एंड अपने को ये पता है 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है, हाइपो. मीन्स ये तो ये हाइपो, ये क्या हो, हाइपो, उसको नाम दे देते हैं ए बी सी, उसको दे देते हैं पी क्यू आर. एज पर द गिवन क्वेश्चन बोथ आर सिमिलर, बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 90 डिग्री है, दिस ऑल्सो 90 डिग्री. ठीक है, बोथ आर सिमिलर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द रेशियो. अब यहाँ पे ये देखो, इसका देखो 90 डिग्री के अपोजिट ये क्या है स्टूडेंट्स, हाइपो है. ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट क्या है, ये हाइपो है. तो क्या हो जाएगा, ये इसका एसी का करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन है, आरपी है. यहां तक क्लियर है. ठीक है, अब ये बताओ स्टूडेंट्स इसमें बेस क्या है. अब देखो ध्यान सुनना, यहां पे बेस और परपेंडिकुलर क्या है. अब ये देखो यहां पे
सपोज दिस इज 90 और ये क्या है 60 डिग्री, तो स्टूडेंट्स ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 प्लस 60 टोटल कितना 180 होता है, 90 प्लस 60 150, तो ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 30 डिग्री होगा। तो व्हाट इज एंगल वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। अब देखना ध्यान से इसका करेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखेंगे अपन। हैपो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 डिग्री का अपोजिट हैपो, ये भी 90 डिग्री अपोजिट हैपो, अपने को थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं जाएगा उसको सीखेंगे अपन। यहाँ पर बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अगर बोलो तो बोलेगा सर ये तो परपेंडिकुलर है, ठीक है तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये बेस है ये बेस है? नहीं, अब देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। ये तो कंफर्म है कि 90 डिग्री का अपोजिट हाइपो है, ये 90 डिग्री का अपोजिट क्या है, हाइपो है। अब देखो स्टूडेंट से बीसी ये एंगल किधर बना रहा है, बीसी अगर मैं देखो ये, देखो ये जो लाइन है इस लाइन कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री के साथ जा रहा है, इसको क्या मान रहे हैं अपन, बेस मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, ये जो 90 डिग्री से इधर कहाँ जा रहा है, 30 डिग्री के पास जा रहा है, इसको क्या मान लेते हैं, बेस। तो सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, अगर ये देखो ये 90 डिग्री किधर जा रहा है, 30 डिग्री के पास जा रहा है, किधर जा रहा है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, किधर जा रहा है एंगल के पास, 30 डिग्री के पास जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा, क्यू पी, और इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा, बी सी। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ये 90 डिग्री है इसका अपोजिट हैपो, 90 डिग्री इसका अपोजिट हैपो, ठीक है। अब देखो ये बी सी, बी से लेकर सी किधर जा रहा है, 30 डिग्री के पास जा रहा है, तो स्टूडेंट्स को क्या, इसको क्या मान लेते हैं अपन, बेस मान लेते हैं। अब सेम एज इट इज, और ये जो 90 डिग्री इस 30 डिग्री के इधर जा रहा है, इसको क्या मानेंगे स्टूडेंट अपन, इसको क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गया, ये हो गया। देखने में पता कि अगर इस ट्रायंगल की बात करूं, देखने में क्या दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे अपन, ठीक है। अगर यहाँ पे कहाँ बना रहे हैं, 30 डिग्री इधर बना रहा है, तो ये अगर बी सी यहाँ बेस बना रहा है इस 30 डिग्री, तो क्यू पी 30 डिग्री कहाँ बना रहा है, इधर बना रहा है, ये क्या हो जाएगा अपना बेस, इस ट्रायंगल का ये बेस होगा, इस ट्रायंगल का बेस ये होगा। तो स्टूडेंट्स अगर ये बेस हो जाएगा, अगर ये बेस हो जाएगा, तो बचा क्या, परपेंडिकुलर बचा, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अपन स्टूडेंट देख के नहीं बोल सकते कि कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस, अपने को पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। तो यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, रेशो में कर दो इसको, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है एज पर द क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन, ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड्स 90 डिग्री के अपोजिट, 90 डिग्री का अपोजिट ये, तो ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, आर पी ले लो, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ 30 डिग्री यहाँ बना रहा है, इस साइड बना रहा है, तो ये 30 डिग्री इधर बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस इज ऑल्सो बेस। बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू पी, ठीक है। अब बचा गया हमारे पास, यहाँ पे बच गया ए बी, और इधर क्या बच गया, यहाँ पे क्यू आर, ठीक है। अब जो वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एसी, एसी की वैल्यू 10 है, आरपी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आरपी की वैल्यू 14, बीसी की वैल्यू वाई, क्यूपी की वैल्यू कितना है 7√3, एबी की वैल्यू कितनी, एबी की वैल्यू कितनी है 5 है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्यूआर, क्यूआर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे एक्स। इसके बाद तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है ना, ये अननोन है, ये देखो कैसे सॉल्व करोगे, 10/14 इक्वल्स टू 5/x, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं और इसको, वाई बिकॉज ये भी नोन है, ये भी नोन है, दिस ऑल्सो नोन, और ये भी अननोन है, इसको ले लेते हैं, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 10 इक्वल्स टू 5/14, तो x इक्वल्स टू 5/14/10, तो 5 × 5 × 10 × 7, तो व्हाट इज अवर x, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट यहाँ पे 7, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, उसके बाद किसको लोगे, इन दोनों को लेना, ठीक है, तो ये ले लोगे यहाँ पे y अपॉन 7√3 इक्वल्स टू 5/, सॉरी इन दोनों को लिए थे ना, सॉरी इन दोनों को ले लो, y अपॉन 7√3 इक्वल्स टू 10/14, वाई बिकॉज अब इसमें देखो यहाँ पे क्या, y क्या अननोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, अगर फोर टर्म्स में अगर मैं अपने पास एक अननोन है तो अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हो गया वाई इंटू 14 इक्वल्स टू 10 × 7√3, ठीक है, देन y इक्वल्स टू 10 × 7√3/14, इसको कैंसिल कर दो, 7 × 2 = 14 और 2 × 5 = 10, तो व्हाट इज द वैल्यू वाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√3, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जहां इधर इधर बना रहा है 30 डिग्री, तो ये भी किधर बना रहा है 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, उसका बेस मान लिया, तो इसको भी क्या मानोगे, बेस मानोगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे रेशो अच्छे से लिखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। नाउ सो द नेक्स्ट फिगर,
नाउ सपोज फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ ये दो ट्रायंगल्स है, मैं बोलूँ करेस्पॉन्डिंग रेशियोस लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखोगे? देखो कैसे करेंगे, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसके 90 डिग्री के अपोजिट हैपो, 90 डिग्री के अपोजिट हैपो, मतलब एसी का एसी का करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? क्यू आर। एसी का करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? क्यू आर। तो मैं लिख सकता हूँ एसी अपॉन क्यू आर, ये तो कन्फर्म है, 90 डिग्री के अपोजिट हैपो, इधर ऑल्सो 90 डिग्री के अपोजिट हैपो, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, इसका इसका करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, इसमें देखो परपेंडिकुलर कौन सा है, देखो इधर मैं मान लेता हूँ परपेंडिकुलर, इधर किधर जा रहा है, ए के पास जा रहा है, ए के पास क्यों जा रहा है, कितना जा रहा है 20 डिग्री, और यहाँ पे किधर जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो कितना जा रहा है, यहाँ पे पी से कहाँ जा रहा है, आर, और आर पे क्या बन रहा है यहाँ पे 20 डिग्री। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ ए बी, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन जाएगा, पी आर, क्यों हो रहा समझ आ रहा है, देखो बी ए ए के पास जा रहा है, कितने डिग्री बना रहा है 20 डिग्री, और यहाँ पे पी से लेकर आर क्या बना रहा है 20 डिग्री, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गया, पी आर, और जो बच गया क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू पी, ये समझ आया, ठीक है। बना कहाँ रहा है एंगल, बी से ए के पास जा रहा है, और कितना बना रहा है 20, तो वैसे ही P से R के पास कितना जा रहा है 20 के बना रहा है, तो बी ए का करस्पॉन्डिंग साइड, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, पी आर, और जो बचा है हो जाएगा, तो बी सी का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, क्यू पी। अब समझ आ गया होगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट फिगर, नाउ सी द गिवन फिगर एज पर द क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड वन, थर्ड का कौन सा, यहाँ पे थर्ड का थर्ड वन, एज पर द क्वेश्चन बोथ दिस टू क्वाड्रिलेटरल आर पॉलीगन, नाम दे देते हैं ए बी सी डी पी क्यू आर एस, इफ बोथ आर सिमिलर मीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स ए बी, अब देखो ध्यान सुनना इसमें, देखो ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, दिस वन लाइन दिस इज ऑल्सो वन, ये जो टू लाइन है इस टू लाइन के इक्वल, मीन्स वॉट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी, ठीक है ना, ये एक ही लाइन है, यहाँ पे वन लाइन इज देयर, मीन्स एंगल इक्वल्स टू एंगल क्यू, यहाँ पे टू लाइन है, यहाँ पे भी टू लाइन है, मीन्स एंगल पी इक्वल्स टू एंगल पी, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, अब ये बताओ ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, पी क्यू। अब देखो समझने की थोड़ी कोशिश करना, देखो ये एंगल इधर बन रहा है, ये किधर जा रहा है, पहला एंगल इधर बना, फिर किधर जा रहा है, सेकंड एंगल के पास, इसके पास जा रहा है, टू लाइन के पास, मतलब ए से लेकर कहां जा रहा है, बी पे जा रहा है, ठीक है ना, ए से किधर जा रहा है, बी के पास जा रहा है, तो ऐसे ही क्यू सी किधर जा रहा है, पी पे जा रहा है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखोगे, पी क्यू आर एस, नहीं यहां पे क्या नहीं, ये नहीं लिखोगे, क्यू पी एस आर लिखोगे, क्या लिखोगे, क्यू पी एस आर, वाई बिकॉज ये जो फर्स्ट एंगल किसके पास जा रहा है, फर्स्ट लाइन, ठीक है, फर्स्ट लाइन किधर जा रहा है, सेकंड के पास जा रहा है, फर्स्ट से सेकंड, तो ऐसे ही जाएगा, फर्स्ट से सेकंड, तो वैसे लिख दिया ए बी सी डी, तो वैसे ही पी क्यू आर एस नहीं होगा, फर्स्ट से सेकंड जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट के बाद सेकंड लाइन आ रहा है, तो वैसे ही फर्स्ट के बाद क्या आ रहा है, सेकंड लाइन, तो क्या लोगे, क्यू पी एस आर, तो यहां लिखोगे क्यू पी एस आर, अब ऐसा बनेगा, समझ आया, लेते कैसे अपन, ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल है, तो अपन कैसे गए, ए बी सी डी, पहला लाइन देन सेकंड लाइन, सेम हियर फर्स्ट लाइन देन सेकंड लाइन, तो क्यों जाएंगे, क्यू पी एस आर, ऐसा लेना अपने को आना चाहिए, ठीक है। तो इस करस्पॉन्डिंग साइड से हो जाएंगे ए बी अपॉन क्यू पी, बी सी अपॉन पी एस, देन सी डी अपॉन एस आर, ठीक है, और डी ए अपॉन आर क्यू, ठीक है, ए बी बी सी सी डी क्यू पी पी एस एस आर, इज इट क्लियर, ये समझ आया कैसे लेते हैं अपन करस्पॉन्डिंग सेट्स, नहीं समझ आया फिर से वीडियो देखना स्टूडेंट्स, ठीक है। इस लाइन से अपन सेकंड लाइन के पास गए, वैसे ही इस लाइन से कहां जा रहे हैं, सेकंड लाइन के पास, देन वी हैव टू सेट ए बी सी डी दैट वी मेक इट क्यू पी एस आर, क्लियर है। अब जो वैल्यू आपको पता है पुट कर दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी 27, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू पी जेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी 18, पी एस की वैल्यू कितनी है वाई
CD की वैल्यू 21, SR की वैल्यू X, DA की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे 15 और RQ की वैल्यू क्या है 18. ओके आफ्टर यू टू मेक सॉल्व, इसके बाद आप सॉल्व कर ही सकते हो. ठीक है, इसके बाद तो अपन सॉल्व कर ही सकते हैं. इसमें कौन देखो आप कौन से लोग है 27 अपॉन जेड और ये 15 अपॉन एट. वाई बिकॉज यहाँ पे देखो ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है और यहाँ पे एक अननोन है. तो अगर मैं यहाँ पे 27 अपॉन जेड इक्वल्स टू 15 अपॉन 18 लूंगा तो ये अपना ये सॉल्व हो जाएगा. तो सेम एज इट इज फिर क्या करोगे, इसको लोगे, इसको लोगे 18 अपॉन वाई इक्वल्स टू 15 अपॉन 18. ओके देन यू हैव टू डू दिस वन 21 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15 अपॉन 18. अब सभी में देख लो, इसमें z निकल जाएगा, इसमें से y और इसमें से क्या निकल जाएगा x. इन द फोर टर्म्स 3 आर नोन एंड 1 इज अननोन, देन वी हैव टू फाइंड आउट इफ 3 सेम हियर आल्सो 4 आर दिस 3 आर नोन, y अननोन है तो ये निकल जाएगा. द फोर टर्म्स में 3 आर नोन और x क्या है नोन है, तो यहां पे अपने सॉल्यूशन करने से अपना x y और z निकल जाएगा. इज दैट क्लियर? इसको स्टूडेंट्स आप सॉल्व करोगे. ठीक है, x और y यहां पे लिखते हैं, x की वैल्यू यहां पे आ रही है आपके आफ्टर सॉल्विंग. एक्स की वैल्यू है 25.2, वाई की वैल्यू 21.6 एंड सेट की वैल्यू इसके आ जाएगी 32.4. ठीक है, इसको अपन दिस इज होमवर्क फॉर यू. एंड थर्ड का फोर्थ ऑल्सो इज होमवर्क फॉर यू फ्रेंड्स, थर्ड का फोर्थ फिगर दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू. ठीक है, सो स्टूडेंट्स टूडे वे टू स्टॉप द क्लासेस. ओके दिस इज ऑल फॉर द टूडेज क्लास. नो नेक्स्ट क्लास वे टू कंटिन्यू ऑन द सेम एक्सरसाइज नंबर 3. यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक. ओके स्टूडेंट्स थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.